तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली, लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है, और मैं एज अ स्टैंड अप कमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। ये माफी लॉरेंस बिश्नोई से मांगी गई है, ये खौफ लॉरेंस बिश्नोई का है। मुनव्वर फारूकी लॉरेंस बिश्नोई से डर गए हैं। कुछ इसी तरह की पोस्ट के साथ इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। एक मिनट 20 सेकंड के वीडियो में मुनव्वर फारूकी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगी है। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था, और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था, और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था, एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली, और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली, लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है, और मैं एज अ स्टैंड अप कमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था, वो लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था, और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस वीडियो को राजू शुक्ला नाम के एक शख्स ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और लिखा, सलमान खान भले ही माफी मांगने से मना कर रहे हैं, लेकिन फारूकी ने माफी मांग ली है, वो भी हाथ जोड़कर, हैशटैग बिश्नोई गैंग। दरअसल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर एक्टर सलमान खान के अलावा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी हैं, जिसका खुलासा एनआईए ने किया है। खुलासे के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर मुनव्वर का ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल है कि इस वीडियो का सच क्या है। P24 न्यूज की फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की सत्यता जांची तो पता चला कि मुनव्वर फारूकी ने माफी तो मांगी है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से नहीं बल्कि कोंकण समुदाय से, और ये वीडियो भी लगभग 3 महीने पुराना है। वीडियो को मुनव्वर ने 12 अगस्त को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया था और मराठी भाषा में कोंकणी समुदाय से माफी मांगी थी, जिसका हिंदी में अनुवाद है, कोंकण के लिए बहुत बहुत प्यार और मेरी माफी। दरअसल मुंबई में हुए एक प्रोग्राम में मुनव्वर ने दर्शकों से बातचीत के दौरान कोंकणी समुदाय के लिए कुछ ऐसा कहा था जिससे कुछ लोग आहत हो गए थे, लेकिन लोगों ने तो मुनव्वर को पीटने वालों को 1,00,000 रुपए इनाम देने तक का ऐलान कर दिया था। साथ ही धमकी दे डाली थी कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। बात बढ़ती देखकर मुनव्वर ने इस वीडियो के जरिए लोगों से माफी मांगी थी और घटना को लेकर सफाई दी थी, यानी P24 न्यूज के फैक्ट चेक में ये वीडियो गलत साबित हुआ।